लालू जी हमको खुद बोलने का हक दिए हैं, लालू जी हमको खुद लड़ाई लड़ने का हक दिए हैं। लालू यादव जिंदाबाद। अरे तो हिंदुस्तान के राजा ना है, बोलिए हिंदुस्तान के वो राजा। साल भर से 400 पार ये कौन का इधर रोड शो करने आए? मीसा जी का समर्थन करने के लिए। मीसा जी कम से कम 1.5 लाख वोट से जीतेगी। इनका कोई वर्क और दिखाई नहीं देता है, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम और दंगा वाली पार्टी और दंगा करा करके चुनाव जीतना चाहती है। राजा काम किए हैं, अगर काम किए हैं तो काम बता दे जनता के सामने कि हाँ हम काम किए हैं। महिलाएं हैं उनको रक्षाबंधन के दिन 1 लाख उनके खाते में जाएगा। तेजस्वी सब इंडिया पर भारी है, इंडिया पर सब भारी है। हमारे मीसा दीदी हर कर भी पूरे पाटलिपुत्रा में काम किए, हर कर भी मसौली विधानसभा में 1 करोड़ का काम किए। मेरे पीछे जो है उनकी समर्थकों की भीड़ देख सकते हैं। कहाँ से आए हैं? हम मसौली विधानसभा से आए हैं, पाटलिपुत्रा मसौली विधानसभा से हैं। मीसा जी को करने के लिए समर्थन करने के लिए। मीसा जी का समर्थन करने के लिए। मीसा जी कम से कम 1.5 लाख वोट से जीतेगी। जो है राजद वालों को कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे है, वो आगरा भी बता देते हैं। राम कृपाल जी पूरे तरह से फेल हो चुके हैं। अच्छा। राम कृपाल का किसी तरह का हल्ला नहीं है, किसी तरह का हल्ला नहीं। राम कृपाल 10 बरस उनको दिया गया, 10 बरस में 1 पैसा का कहीं भी काम नहीं किया। बात करते हैं, सड़क बना रहे हैं। सड़क बना, अगर सड़क बनाते तो 10 को नाम भी गिना दे कि राम कृपाल जी एक भी काम। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है राजद वालों के, सर्टिफिकेट की जरूरत। राजद काम किए हैं, अगर काम किए हैं तो काम बता दे जनता के सामने कि हाँ हम काम किए हैं। जनता जानती है कि अगर 10 पैसा का चापाकल, 10 पैसा का अगर ईट सोलिंग कहीं भी किए होंगे तो वो अगर बता सकते हैं पूरे मसौढ़ी विधानसभा या पूरे पाटलिपुत्रा में। आप हमारे मीसा दीदी हर कर भी पूरे पाटलिपुत्रा में काम किए, हर कर भी मसौढ़ी विधानसभा में 1 करोड़ का काम किए। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि दिखती ही नहीं है, ऐसे वोट मांगने के लिए आ रही है। अच्छा, बीजेपी वाली बोलती है कि दिखती नहीं है। बीजेपी वाली तो बोली थी कि 2 करोड़ की नौकरी दिखती है आपको, आपको दिखती है 2 करोड़ की नौकरी? 2 करोड़ की नौकरी मिला, आत्मनिर्भर भारत बन गया ना। आप किस चीज का आत्मनिर्भर? आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो, हम सेल्फ हैं, हम किसी दूसरे पर आश्रित हैं? हम मोदी जी पर आश्रित हैं कि हम अपना खुद आश्रित होंगे? लालू जी हमको खुद बोलने का हक दिए हैं, लालू जी हमको खुद लड़ाई लड़ने का हक दिए हैं, गरीब गुरबों की लड़ाई लड़े हैं। लगता है कि इस बार जीत जाएंगे क्योंकि पिछले 2 बार से हारती हुई है। इस बार जीत नहीं जाए, जीत गई। इस बार पूर्ण रूप से जीत मैं है। पहले रिजल्ट महागठबंधन का पूरे ऑल बिहार में जीत मैं है। हाँ। पूरे 1.5 लाख वोट से मीसा दीदी जीतेगी। 1.5 लाख वोट से, जी हाँ, 1.5 लाख वोट से जीतेगी मीसा दीदी। चलिए आंकड़ा भी बता रहे हैं कि 1.5 लाख वोट से जीतेगी। बिल्कुल, जो स्थिति और परिस्थितियाँ है उस परिस्थिति में डॉक्टर मीसा भारती 1.5 लाख से ऊपर वोट से जीतेगी, क्योंकि तमाम समीकरण इनके साथ है। पिछली बार और इस बार में आकाश और जमीन का फर्क है, इसलिए 1.5 लाख से इनका कहना सही है, 1.5 लाख से ज्यादा वोट से जीतेगी। सामने में रामकृपाल यादव जी है, एक मजबूत दावेदार, तो लगता है इतना आसान रहेगा? रामकृपाल जी तीसरी पारी खेलने आए हैं, इनका कोई वर्क और दिखाई नहीं देता है। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम और दंगा वाली पार्टी और दंगा करा करके चुनाव जीतना चाहती है, और ये पढ़ाई वाली पार्टी है, नौकरी की पार्टी है। आपको देखा नहीं कि थी? तो कहाँ चूक हो जाती है बार बार, कैसे हार जाती है? चूक यहाँ हो जाती है कि 400 पार को जनकारी हो जाता है, लेकिन 400 RDX आ करके 35 जवान मरा जाता है तो इनको जनकारी नहीं होता है। बीजेपी कहती है कि जहाँ से हार रहे होते हैं वहाँ से बस EVM का रोना गाना स्टार्ट कर देते हैं। कहीं नहीं, सभी का उनको वही है जिला, कहीं सभी जगह। अच्छा, अगर इंडिया गठबंधन जीत गई तो फिर EVM खराब नहीं ना होगा? EVM कैसे खराब हो जाएगा? हम लोग नहीं हुआ, इंडिया गठबंधन जीतेगी तो हम लोग जनता को जो वादा किए हैं, एक लाख जो महिलाएं हैं उनको रक्षाबंधन के दिन 1 लाख उनके खाता में जाएगा। हर एक युवा को मतलब कि नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, एक करोड़। इस पर फोकस क्यों नहीं करते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी को 400 पार की जानकारी हो जाती है कि पहले 400 पार हो जाएगा, लेकिन 400 RDX आ करके उड़ा दिया जाता है, 35 जवान मरा जाता है, पूरे सुरक्षा को कभी जानकारी नहीं होती है, ये क्यों?
हम कल मोदी जी का रोड शो भी था, गए थे कि नहीं देखने के? नहीं हम लोग नहीं, मोदी जी का रोड शो निकला था, हमारे तेजस्वी जी का जॉब शो क्या उनका फेल है? थोड़ा समय बोलिए। पक्का हम के है बिहार में, पक्का कोई नहीं है, खाली लालू यादव है, कोई नहीं, सब भाग गया एकदम। हम बावन मोदी जी आए थे, हाँ सब खत्म है, उनको काम तब है। हाँ अभी भगा दिया कि मुखिया का चुनाव नहीं, अब जब आगे प्रधानमंत्री रोड शो करे तब इसे गिरा हुआ और क्या है, प्यार करते हैं बिहार से, गिरा हुआ कुछ है, बार बार आ रहे हैं, बार बार कहाँ आ रहे हैं? तेजस्वी सब इंडिया पर भारी है, इंडिया पर सब पर भारी है। मैं हम उनको पटना में जिताए थे, रूपकुल हो गया था, सिनका छोड़ के बताइए बाप मचाली के छोड़ के कहा भाग रहे हैं, देख रहे हैं पहले पटना में कैसे नजर आ रहा था, आज देखिए किस बरता है। प्रधानमंत्री का क्या गरिमा होता है, वो अपने आप साफ भूल गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, कभी नहीं देश को गरिमा, मुखिया में चुनाव नहीं जीतेगा, मुखिया में नहीं जीतेगा, लालू यादव जिंदाबाद। अरे तो हिंदुस्तान के राजा ना है, बोलिए हिंदुस्तान के वो राजा है, हिंदुस्तान के राजा है, हम उनको मान रहे हैं, मगर ये साल भर से 400 पार ये कौन का इधर रोड शो करने आए, ये शोभा उनको नहीं देता है, ये नहीं देता है, नहीं देता है, वो राजा है। 400 वाले पे जब सवाल पूछा गया तो बोले हमको अपने काम पे इतना विश्वास है, इसलिए कह रहे हैं कि आपकी बात 400 पार। तो फिर काहे के लिए पटना कल 7 बजे से प्रचार, काम इतना बनिया गली गली प्रचार, वो भी देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जेपी नड्डा गली गली प्रचार, अरे पटना साहिब सीट हारने जा रहा है रविशंकर प्रसाद, राम कृपाल भी हारने जा रहा है, और कहते हैं बता देगा सम्राट चौधरी कहते ना कि कुशवाहा के वोट दांत खोले लेना मिलेगा, हिम्मत तो बचा ले कुशवाहा के वोट, और सारा कुशवाहा के वोट जा रहा है। भाजपा कह रही है ये सीट जो है पाटलिपुत्र और पटना साहिब की सीट हमारी है, सवाल ही नहीं उठता कि हम यहाँ से हार गया, हमको हारना है इस बार निश्चित तय है, कोई नहीं रोकेगा, जो कहते हैं ना कि हमारे बपौती है, हमारे बपौती की काम पर विश्वास है, इसलिए कह रहे हैं। क्या काम कीन है, क्या काम कीन है, हम लोग जब वार्ड काउंसिलर थे तो 20 रुपया होल्डिंग टैक्स लगता था रूम पर, आज ये लगाते हैं नाफी पर, एक आदमी को दिया जाता है 20,000 रुपया होल्डिंग टैक्स, महंगाई कितना है, कहे थे कि हमें 50 रुपया बढ़ा था, 450 रुपया सिलेंडर हुआ था, स्मृति रानी सिर पर सिलेंडर लेके अब 1200 रुपया हो गया था, नहीं बोला राहुल गांधी, बोला कि मेरी सरकार बनेगी 500 रुपया सिलेंडर देंगे, ये कहाँ से देंगे, ये तो देश के बेचवा है सभी, आरएसएस वाला है जो देश के बेचवा है, मोहन भागवत देशद्रोही है, समझे, आप कह रहे हैं कि 400 पार 2 करोड़ के नौकरी में के करोड़ नौकरी दिन सारा विभाग को बेच दिए, इंदिरा गांधी सबको राष्ट्रीयकरण किया, सबको बेचे जा रहे हैं, कहते हैं कि हम घूस के मारे, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद घूस के मारे, यही ये प्रधानमंत्री का औकात है कि घूस के मारेगा, हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री लाहौर तक चढ़ गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को चीर दिया, 2 टुकड़ा कर दिया, है दम इसमें है नरेंद्र मोदी में दम इतना, कहते हैं कि घूस के मारे, जो आतंकवादी जो गांधी मैदान में बम फोड़े थे नरेंद्र मोदी का ही लगाया हुआ था। अच्छा हाँ सही बात कह रहे हैं, जिस तरह से हमारे देश में महंगाई बढ़ी है, जो 120 रुपये प्रति लीटर बिकता था कड़ुआ तेल और रिफाइन ऑयल, वो कहाँ 180 रुपये होल है, हमारे देश में जितना बेरोजगारी बढ़ी हुई है, क्या नरेंद्र मोदी एक भी नौजवानों को सर्विस देने का काम किए हैं? नहीं किए हैं। वो क्या किए हैं, केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं, तो क्या आज सभी जनता समझदार हो गए हैं, और ये सब हिंदू मुस्लिम के जुमलेबाजी नहीं चलने वाली है,
और सभी हम लोग वोट देंगे लालटेन छाप को। और युवा रोजगार के नाम पर आज रोजगार जिस तरह से 5 लाख को दिया है 17 महीने में तेजस्वी यादव, जैसे कि आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव आए हुए थे यहाँ पे और अभी उनका काफिला जो है वो निकला है और शायद लालू प्रसाद यादव भी आए हुए थे तो उनका काफिला गिर रहा है। बाकी हमारे साथ जनता थी, आपने इनको सुना, आपकी क्या राय है, आप भी जुड़ जाएगा। तब तक के धन्यवाद।